Hey guys, welcome back to my channel. तो आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है बिकॉज आई एम गोइंग टू रेड माई 7 सनस्क्रीन जो मैंने अभी कुछ मंथ से यूज़ किए हैं फ्रॉम नंबर 7 टू नंबर 1. अगर आप भी कन्फ्यूज हो कि आपको कौन सी सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करना चाहिए तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. आई होप इससे थोड़ी सी हेल्प मिल पाएगी. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो एट नंबर 7 वी हैव निविया की शाइन कंट्रोल सनस्क्रीन. दिस सनस्क्रीन इज हैवी फॉर माई स्किन एंड ऑल्दो इसकी पैकेजिंग पे मैंशन है कि ये नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए है बट मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है एंड स्टिल ये मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली कर रही है. तो ऑयली स्किन वालों प्लीज़ इससे दूर रहना. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. डेफिनेटली इसका SPF बहुत ज़्यादा अच्छा है बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरी स्किन को सूट नहीं किया. तो सो एंड नेक्स्ट ऑन नंबर 6 वी हैव क्लिनिकली की सनस्क्रीन. दिस सनस्क्रीन इज फॉर ओनली सेंसिटिव स्किन टाइप. ये काफ़ी अच्छी है, लाइट वेट है बट द ओनली प्रॉब्लम इज ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है. लाइक 900 rupees इज टू मच फॉर मी. एंड हाँ, बाकी इसमें आपको सेरामाइड मिलेगा, अमीनो एसिड मिलेगा जो कि आपकी स्किन रिपेयरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. Now coming at number 5, we have UV Dose Silicone Gel Based Sunscreen. This sunscreen is for all skin type. बहुत अच्छी sunscreen है, oil free है, water resistant है. It has SPF 50 PA++++. ये आपको UVA, UVB rays से बचाता है. बट दिक्कत मुझे ये हुई सनस्क्रीन के साथ, जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ मेरे आँखों में पता नहीं अजीब सी इरिटेशन होती है जिसकी वजह से आँखों से बहुत ज़्यादा पानी बाहर आता है. तो इसकी वजह से आई एम कीपिंग दिस ऑन 5th नंबर. राइट, रैंक 4 पे है डॉट एन की का विटामिन सी ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन. वाटर बेस्ड टेक्सचर है इसका, लाइट वेट है एंड नॉन ग्रीसी है, जीरो वाइट कास्ट है, सब कुछ अच्छा है इस सनस्क्रीन में, परफेक्ट है. बस थोड़ी सी दिक्कत है, दैट इज़ ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इसको आपको बार बार रीअप्लाई करना पड़ेगा. बाकी चीज़ इसमें बहुत अच्छी है तो इसीलिए मैंने इसको 4th नंबर पर रखा है. एंड ऑल्सो दिस सनस्क्रीन इज फॉर ऑल स्किन टाइप. ये आपको एकदम से ड्यूई सा फिनिश देता है एंड इवन इट फाइट अगेंस्ट डलनेस एंड डार्क स्पॉट. तो अगर आपको डलनेस और डार्क स्पॉट की दिक्कत रहती है तो आप इस सनस्क्रीन को ट्राई कर सकते हो. नाउ वी आर गेटिंग क्लोजर टू माई टॉप 3. तो 3 पे मैंने रखा है यूवी ड्यू ब्लू लाइट सनस्क्रीन. दिस सनस्क्रीन इज द बेस्ट सनस्क्रीन दैट आई हैव ट्राइड सो फार. मुझे ये सनस्क्रीन काफ़ी पसंद है क्योंकि इट इज़ अ टिंटेड सनस्क्रीन, प्लस ये हमें UVA ब्लू लाइट UVB रेस से बचाता है. दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, मैट फिनिश देता है एंड वाटर रेजिस्टेंट है, प्लस इसमें SPF 50 PA++ है. दिस इज़ बिट एक्सपेंसिव. अगर आप बजट कॉन्शियस हो तो दिस माइट बी टू मच फॉर यू, बट ओवरऑल दिस इज़ अ गुड परफॉर्मर, यू कैन कंसिडर दिस. कमिंग एट नंबर 2 वी हैव क्वेंच. ये सनस्क्रीन मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी निकली. लाइक लिटरली इट हैज़ जीरो वाइट कास्ट, लाइट वेट एंड इट हैज़ SPF 50 PA++++. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम UVA UVB रेज. अगर आपकी स्किन में डलनेस है, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, वो भी क्योर करता है क्योंकि दिस इज एनरिच्ड विद पोमोग्रेनेट एंड राइस वाटर. अब राइस वाटर तो हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल होता ही होता है, उसके बेनिफिट्स तो आप लोग जानते हो. बट इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा शाइनी बना देता है. तो इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स मैटिफाइंग लुक, सो दिस माइट बी नॉट फॉर यू. बट अदर देन दैट दिस इज अमेजिंग फॉर डेली यूज, तो यू कैन कंसिडर दिस यूजिंग. नंबर 1 पे सनस्क्रीन जो आई है दैट इज एक्ने यूवी SPF 50 PA++++. सीरियसली गाइज, आई हैव फॉलन इन लव विद द सनस्क्रीन एंड सनस्क्रीन की कंडीशन से आपको लिटरली पता चल रहा होगा इसमें कुछ भी नहीं बचा है. एंड दिस सनस्क्रीन इज द सेवियर. लास्ट ईयर मुझे बहुत गंदा वाला ब्रेकआउट हुआ था बट ये सनस्क्रीन ने बहुत हेल्प करी है मुझे रिकवर, लाइक उस फेस से रिकवर करने के लिए. अभी भी अगर मेरी स्किन में कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी इशू होता है, मैं तुरंत से सब कुछ हटा के, सारी जो भी यूज़ कर रही हूँ स्किन केयर में सब कुछ हटा के आए स्विच बैक टू दिस सनस्क्रीन. एंड ये आपको UVA UVB विजिबल लाइट ब्लू लाइट सारी चीज़ों से बचाता है. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है आई अग्री, बट आपको वर्थ इट लगेगा, लिटरली वर्थ इट लगेगा. सो गाइज, तो ये थी मेरी रैंकिंग ऑफ 7 सनस्क्रीन दैट आई हैव रिसेंटली ट्राइड. लेट मी नो आपकी फेवरेट सनस्क्रीन कौन सी है इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन कीप ग्लोइंग. बाय बाय, टेक केयर.